बुनती हूँ, हौसलों को बुनती हूँ, जिंदगी को बुनती हूँ, हौसलों को बुनती हूँ, स्त्री हूँ मैं, स्त्री हूँ। स्त्री, वुमेन, औरत, हमारी आधी दुनिया, लेकिन पूरी माँ, बहन, बेटी, प्रेमिका, पत्नी, दोस्त, कितने ही रूपों में हमारे साथ होती है ना। हैप्पी वुमेन्स डे बोलिए दोस्तों, क्योंकि आज का दिन हर दिन हमसे ही है। और इसीलिए आज मैं आप सभी से बांट रही हूँ वो तीन कविताएं जो मेरे मन के तो बहुत करीब हैं ही, कहीं ना कहीं हम स्त्रियों का परिचय भी हैं। मेरी पहली कविता समर्पित है उन तमाम गृहिणियों को जो हमारे आपके बीच में हैं, पर जिन्हें लगता है कि समाज की रफ्तार के साथ चलते हुए वो कुछ नहीं करती। अक्सर तुम शाम को घर आकर पूछते, आज क्या क्या किया, मैं अचकचा जाती। सोचने पर भी जवाब न खोज पाती कि आखिर आज मैंने क्या किया, और हार कर कहती कुछ नहीं। तुम रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा देते, उस दिन मेरा मुरझाया कुछ नहीं सुनकर तुमने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सुनो ये कुछ नहीं करना ना, हर किसी के बस की नहीं है। सूर्य की पहली किरण संग उठना, मेरी चाय में ताजगी और बच्चे के दूध में तंदुरुस्ती मिलाना, टिफिन में खुशियां भरना, उन्हें स्कूल रवाना करना, फिर मेरा नाश्ता, मुझे दफ्तर विदा करना, काम वाली बाई से लेकर बच्चों के आने वक्त तक खाना, कपड़े, सफाई, पढ़ाई, फिर सांझ के आग्रह, रात के मसौदे, और इतने सबके बीच में भी थोड़ा सा वक्त बाहर के काम के लिए चुरा लेना। जरा कहो तो इतना कुछ नहीं कैसे कर लेती हो। मैं तो मुग्ध सुन रही थी, तुम कहते जा रहे थे, तुम्हारा कुछ नहीं इस घर के प्राण है, ऋणी है हम तुम्हारे इस कुछ नहीं के, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं करती ना, तभी हम सब बहुत कुछ कर पाते हैं। तुम्हारा कुछ नहीं हमारी निश्चिंता है, हमारा आश्रय है, हमारी महत्वाकांक्षा है। तुम्हारे कुछ नहीं से ही ये मकान घर बनता है, तुम्हारे कुछ नहीं से ही इस घर के सारे सुख हैं। मैं फिर चकित तुम्हें सुनती रही, तुम्हारा एक एक अक्षर स्पर्शीय था, तुमने मेरे समर्पण को मान दिया, मेरे कुछ नहीं को सम्मान दिया। अब कुछ नहीं करने में मुझे कोई गुरेज नहीं। बहुत प्यारी लगती है दोस्तों मुझे ये कविता, लेकिन ये किसने लिखी है मुझे पता नहीं। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने इसे पढ़ा था और तभी से अपने पास संभाल के रखा था। आप में से किसी को भी इसके लेखक का नाम पता हो तो प्लीज मुझसे शेयर जरूर करिएगा। और ये कविता समर्पित है उन सभी कामकाजी स्त्रियों को जो घर और बाहर का अद्भुत संतुलन बनाकर रखती हैं। विवेक चतुर्वेदी जी की एक खूबसूरत कविता, स्त्रियां घर लौटती हैं। स्त्रियां घर लौटती हैं पश्चिम के आकाश में, उड़ती हुई आकुल वेग से काली चिड़ियों की पात की तरह। स्त्रियों का घर लौटना, स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं है। पुरुष लौटते हैं बैठक में, फिर गुसल खाने में, फिर नींद के कमरे में। स्त्री एक साथ पूरे घर में लौटती है, वो एक साथ आंगन से चौके तक लौट आती है। स्त्री बच्चे की भूख में रोटी बनकर लौटती है, स्त्री लौटती है दाल भात में, टूटी खाट में, जतन से लगाई मसहरी में, वो आंगन की तुलसी और कनेर में लौट आती है। स्त्री है, स्त्री है जो प्रायः स्त्री की तरह नहीं लौटती, पत्नी, बहन, माँ या बेटी की तरह लौटती है। स्त्री है जो बस रात की नींद में नहीं लौट सकती, उसे सुबह की चिंताओं में भी लौटना होता है। स्त्री चिड़िया सी लौटती है और थोड़ी सी मिट्टी रोज पंजों में भर लाती है और छोड़ देती है आंगन में, क्योंकि घर एक बच्चा है स्त्री के लिए। घर भी एक बच्चा है स्त्री के लिए जो रोज थोड़ा और बड़ा होता है। लौटती है स्त्री तो घास आंगन की हो जाती थोड़ी और हरी, कबेलू छप्पर के हो जाते हैं जरा और लाल। दरअसल एक स्त्री का घर लौटना महज स्त्री का घर लौटना नहीं होता, धरती का
अपनी धुरी पर लौटना होता है। समर्पित है दुनिया भर के सारी स्त्रियों के लिए जिनकी वजह से ये दुनिया खूबसूरत है। धर्मेंद्र मौर्य जी की एक कविता, एक स्त्री जब प्रेम करती है, एक स्त्री जब उदास होती है, एक स्त्री जब उदास होती है धीमी हो जाती है धरती के घूमने की गति, एक स्त्री जब मुस्कुराती है आसमान थोड़ा झुक जाता है, एक स्त्री जब हंसती है अनुचित हंसी महाभारत होता है, एक स्त्री की निश्चलता पर सकुचाने लगती है भागीरथी, एक स्त्री जब जिद करती है अपने अधिकार के लिए यमराज हार जाता है, एक स्त्री को जब देनी पड़ती है अपने व्रत की परीक्षा एक गहरा प्रश्न चिन्ह लग जाता है पुरुष का पुरुष के होने पर, एक स्त्री जब रोती है धरती फट जाती है, निभाते हुए सभी रिश्तों को बचाने की जुगत में एक स्त्री पट जाती है परमाणुओं में, लेकिन एक स्त्री जब प्रेम करती है ना तो बस प्रेम करती है। दरअसल दोस्तों हमें किसी भी खास दिन की चाह नहीं होती, आपका दिया हुआ सम्मान और प्यारी हमारे होने के लिए काफी है। जल्दी फिर मिलते हैं अपनी नई किताब के साथ। गुड बाय।